मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के अंदर जो सर्व ब्राह्मण समाज है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे जो है आया है और कलेक्टर के अंदर ज्ञापन सौंपा है। हम सीधे बात कर रहे हैं, क्या अंकल मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि जो है ब्राह्मण जो गरीब है, जो बच्चे जो है वो गरीबी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में जो है जो अन्य समाजों के जो है लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है और विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, ऐसी स्थिति में ब्राह्मण समाज के बच्चों को भी शिक्षा के लिए केवल एजुकेशन के लिए जो स्कॉलरशिप दिए जाए गवर्नमेंट की तरफ से, यही हमारी मांग है। और भी कुछ लोगों से हम बात कर ले गए, क्या मांगों को लेकर आप यहाँ पर पहुँचे? हम लोग ब्राह्मण बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए मांग है हमारी, हमारा किसी से द्वेष नहीं है, हम किसी का अधिकार कम करना चाहते हैं। जो न्याय संगत है, ब्राह्मण बच्चे आज अच्छे डिवीज़न अच्छे पोजीशन में पास होके भी उनको भी छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही, तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि ब्राह्मणों को भी अधिकार दिया जाए, उनको भी छात्रवृत्ति बच्चों को प्रदान किया जाए जिससे वो अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सके। अंकल कहाँ तक के पहुँचेगा अगर मांग पूरी नहीं होती? नहीं, संघर्ष का शुरुआत है, अब आगे जैसे जैसे आएगा वैसे आगे बढ़ेंगे, उसको मिलेंगे निश्चित। आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को आरक्षण दिया जाए, ये हमारी मुख्य मांग। और भी हम जो है आपने देखा है क्या कुछ इनका कहना पड़ा है, हमने आपको बताया था। देखिए हम कुछ महिलाओं से भी बात कर लेते हैं जो यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे, हम सीधे बात कर लेते हैं। मैम किस तरीके से आप ज्ञापन देने क्या मांगे हैं? हम लोग यहाँ पर अपने बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने के लिए ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों में एक अधिकार है समानता का अधिकार, लेकिन केवल वो अधिकार लिखित में हमें प्राप्त नहीं है, तो हम अपने बच्चों के लिए उसी के लिए लड़ाई है एक हमारे लिए कि हमारे बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, कहीं हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, उसी के लिए हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। बेटे क्या मांगे हैं, किस लिए आप यहाँ पे? सीएम मामा से रिक्वेस्ट है कि हमें भी स्कॉलरशिप दिलाए ताकि पढ़ लिख कर हम डॉक्टर SDM कलेक्टर बन सके। थैंक यू। आगे क्या बनना है अभी? SDM बनना, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। बच्चों की मांग है कि वो भी बड़े होकर जो है सिविल सेवा में जाने की इनकी मांग है, और हमने जो है महिलाओं से और इनसे बात करनी कुछ क्या कुछ इनका कहना पड़ा है, हमने आपको बताया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बन रहे BNC के साथ BNC मीडिया के लिए मैं दानिश अज़ा खान।